नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में लोग भारत के एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जो दुनिया भर में चिपको आंदोलन के लिए विश्वविख्यात तो है ही, साथ ही भारत की दो प्रमुख नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा डैम टेहरी डैम भी इसी राज्य में स्थित है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड राज्य की। और यदि आप उत्तराखंड राज्य की लोकेशन देखें इस इंडिया के मैप में, तो ये है उत्तराखंड राज्य। और यदि आप इसके बॉर्डर स्टेट और कंट्रीज की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा यदि हम कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना और नेपाल उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और शुरुआत में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट हुआ करता था और बाद में 9 नवंबर 2000 को इसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। और शुरुआत में इस उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में हम इसे उत्तराखंड नाम से ही जानते हैं और यह भारत का 27वां राज्य बन चुका है। और यदि आप इसकी कैपिटल की बात करें तो उसकी कैपिटल है देहरादून। और यहाँ से बहने वाली जो दो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं गंगा और यमुना। और यदि हम इनके उद्गम स्थल की बात करें तो गंगोत्री है गंगा का उद्गम स्थल और यमुनोत्री है यमुना का उद्गम स्थल। तो आप देख सकते हैं ये है यमुना नदी जो उत्तराखंड में है। इसके अलावा गंगा नदी को शुरुआत में हम भागीरथी नाम से जानते हैं, तो ये है भागीरथी। और भागीरथी में ही इस टेहरी रीजन में एक डैम बना हुआ है जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है। इसके अलावा भागीरथी की एक और सहायक नदी है, ये है अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो यहीं से ये दोनों नदियाँ मिलने के बाद गंगा नाम से जानी जाती हैं। और बाद में ऋषिकेश और हरिद्वार से होती है गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार में ही कुंभ मेला भी लगता है। इसके अलावा आप यहाँ पास देखें आपको एक जिम कार्बेट नेशनल पार्क देखने को मिल रहा होगा। तो ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी था जिसकी स्थापना 1936 को की गई थी। और आप देखें यूनेस्को द्वारा दो संरक्षित साइट भी उत्तराखंड राज्य में हैं, तो एक है वैली ऑफ फ्लावर्स और दूसरी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा नंदा देवी इस उत्तराखंड राज्य की सबसे हाईएस्ट पीक भी है और भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है जस्ट आफ्टर कंचनजंगा। और उत्तराखंड में आपको बहुत से धार्मिक प्लेस देखने को मिलेंगे, जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। और यही कारण है कि इन धार्मिक स्थानों के कारण ही उत्तराखंड को कई बार देवभूमि भी कहा जाता है।